का शुक्रिया अदा करें। आपने कभी गौर किया इस चीज़ पे जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे बच्चे उनके लिए कोई भी चीज़ लेके आऊँ वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये मैडम खड़ी उनसे पूछें मैं घर जाऊँ, मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं बाबा का शूज़ मैंने उतारने, वो फिर एक वो उतारता है एक वो उतारता है, सॉक्स मैंने उतारनी बाबा की, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं अदब सिखाएं। आप अपने बच्चों को सोने का खिलाते होंगे, हर माँ बाप कोशिश करता है बच्चों के लिए जितना हो सके अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं। आप कोशिश करती हैं यहाँ कोई फंक्शन आ जाए ना किसी बच्चे का, तो मैंने देखा है कि हर माँ बाप की कोशिश होती है मेरा बच्चा किसी से कम ना रहे, होती है ना। तो कोशिश कीजिए तरबियत के मामले में आपका बच्चा किसी से कम ना रह जाए। बच्चों को सिखाएं बेटा जो बाप सुबह से शाम तक आपके लिए मेहनत करता है उससे 10 रुपये भी लो, उसका शुक्रिया अदा करो, अपने बाबा के पांव दबाओ, उनके शूज उतारो, उनके सॉक्स उतारो, बाप की थकावट ख़त्म हो जाती है जब बच्चे यूं आके बाप से लिपट जाते हैं। एक माँ जो बच्चे के लिए अपनी बीमारी भूल जाती है, अपनी तमाम मसाइल भूल जाती है, सर्दी गर्मी भूल जाती है, और कभी सर्दियों में पानी में खेलती है और गर्मियों में वो चूल्हे पे काम करती है, बच्चों को सिखाएं बेटा उस माँ का शुक्रिया अदा करो, उसका राइट बनता है। कौन सिखाएगा? हम मिलके सिखाएंगे। मैं यहाँ टीचर्स भी, आप अपने घर में कम अज़ कम अपने बच्चों को ये सिखा देंगे बेटा आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, कितनी बड़ी बात। सिर्फ एहसास दिला दें, आप चंद दिन ये प्रैक्टिस कर लें, बच्चों को चाय दी शुक्रिया अदा करवाएं, बच्चे को खाना दिया उससे शुक्रिया अदा करवाएं, पानी पिलाया शुक्रिया अदा करवाएं, आप बच्चे से बच्चे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ड्रेसिंग लेके दी आपने, शॉपिंग करवा दी आपने, वॉक करवा दी आपने, आप किसी प्ले ग्राउंड में ले गए आप मुझसे शुक्रिया अदा करवाएं, इसका आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा आपके बच्चे तरबियत के मामले में दिन ब दिन ऊपर देते हैं। तालीम की कोई अहमियत नहीं अगर तरबियत ना हो, गधे पे किताब में रख दो सेम है, बल्कि इंसान गधे से ज़्यादा ख़तरनाक है इसकी तरबियत ना हो तो। अगली बात भी आ जाएँ, अगला है होमवर्क एंड क्लास पर। इस मामले में दोनों तरफ से कंप्लेंट्स रहती हैं, नो डाउट, ट्यूशन टीचर की भी रहती है और स्कूल टीचर की भी कंप्लेंट रहती है। हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी बच्चों का होमवर्क टीचर ने खुद किया होता है बाहर ट्यूशन वाली ने, और